जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब किसी रोग का जिसका निदान ना मिल रहा हो तो अगर आप वेदों में और अन्य प्रकार के मंत्रों में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आज इस वीडियो में हम उन रोगों का नाशक वाले मंत्रों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मंत्र आएगा हमारे भगवान धन्वंतरी, जो कि रोगों के नाश करने वाले उनको माना जाता है, तो उनका सबसे पहला मंत्र हम देख लेते हैं और जानेंगे कि उसको किस प्रकार से हमें बोलना है। तो सबसे पहले हमारा मंत्र हो जाएगा ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक्यपतये त्रिलोक्य निधिये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। अब हम जानेंगे कि इस मंत्र का हमें उच्चारण कैसे करना है या किस प्रकार से हमें इस मंत्र को करना है। तो सर्वप्रथम हमें किन किन विधियों के द्वारा इस मंत्र का जाप करना है, कौन सी सावधानियां रखनी है इस मंत्र को करने के लिए, तो हम जान लेते हैं। ये मंत्र जो है हमारे रोगों के नाशक में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो सर्वप्रथम हमें प्रतिदिन सूर्योदय के समय इस मंत्र का जाप करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन बिछाकर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने तांबे के कलश में ताज़ा पानी भरकर उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डालें, फिर धन्वंतरी मंत्र की 5 या 11 माला जाप करें और यह पानी जो है रोगी को बार बार पिलाएं और रोगी के स्वस्थ होने की कामना करें, रोगी स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा मंत्र भी आपको बताएंगे, जैसे कि ये चौपाइयों में बताया गया है, जैसे कि राम कृपा नाशई सब रोगा जो यह भांति बने शई योगा। इस मंत्र का जो है जाप आप दिन में कई बार करें, पूजा पाठ करते समय या मंगलवार और शनिवार को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप श्री मारुति नंदन हनुमान जी में अगर विश्वास रखते हैं तो उनका भी एक रोग नाशक मंत्र है जो कि सभी रोग कष्टों का निवारण करता है, उस मंत्र को भी हम जान लेते हैं। तो ये मंत्र है हमारा जय जय गुणवंती वीर रोग मिटे और खिले खिलाब कारज पूर्ण करे पवन सुत जो ना करे तो माँ अंजनी की दुहाई और शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरी बाचा। तो इस तरह ये आपको 3 मंत्र जो हैं बताए गए हैं, आप इन मंत्रों का उच्चारण करके आप सभी रोग दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।